नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर रोटियां बनी हुई रखी हैं लेकिन सब्जी बनाने में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जी जल्दी बन जाएगी, तो उसके लिए मैं आज बताऊंगी कि कौन सी सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है और आपकी भूख को जल्दी से शांत भी कर सकती है। तो मैंने ये दो बैंगन लिए हैं, इनको पानी में काट के रखा है क्योंकि पानी में अगर नहीं रखेंगे तो काले पड़ जाते हैं। और ये मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल रखा है। अब ये तेल आ गया है और ये बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है। इसमें मैंने हल्दी डाल दी, हींग डाल दी और अब ये बैंगन डाल दी। इसको हिला देते हैं। अब इसी में मैं ये टमाटर भी डाल देती हूँ और नमक डाल के इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। नमक हमने स्वाद अनुसार डाला है। अब इसको ढक के रख देते हैं। अब 2 मिनट हो गए हैं और मैंने तेज आंच पे इसको सब्जी को पकाया है क्योंकि साथ में टमाटर डाल दिए थे तो टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। और ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी सीख गई है। और इसमें एक खासियत ये है कि ये जो बैंगन है उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पकाते हैं, बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए, तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब ये हाथ से दबाने पर ये दब रही है सब्जी, तो ये अच्छी सीख गई है। अब बस इसमें हम थोड़ा मसाला और डाल देते हैं। नमक हमने डाल दिया था, अब आंच को मैं धीमा कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये कसूरी मेथी डाल दी है। अभी हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और इस तरह से आप सब्जी बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और टमाटर साथ में डाल देते हैं तो टमाटर का जो पानी है उसके साथ जो ये सब्जी सीझती है, जो ये सीझती है मतलब पकती है, तो ये उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है। अब बहुत से लोग कहते हैं टमाटर डालने से ये सब्जी सीझती नहीं। देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी पक गई है, ये बिल्कुल अच्छी हो गई है। पर इसको बस बैंगन को जैसे हम आलू सिजाते हैं वैसे सिजाना चाहिए। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। अभी हमारी बैंगन टमाटर की सब्जी तैयार है। तो इस तरह से अगर आपको जल्दी हो, भूख लग रही है और रोटियां बनी रखी है लेकिन सब्जी नहीं है और सब्जी बनाने में बहुत लेट हो रहा, कोई भी सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता, इसमें कम मसाले में और ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। तो यदि आपको मेरा ये बैंगन टमाटर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारी सब्जी कितने अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको आप इसमें रखकर और रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये इस तरह से लीजिए, अब ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है और आसानी से बन जाती है और कम इंग्रेडिएंट में और बहुत जल्दी बन जाती है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और अच्छी या बुरी जैसी भी लगे आपको सब्ज़ी तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा।